यह है आईफोन 15, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन इंडिया। लेकिन जब भी हम असेंबल्ड वर्ड समझते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये इमेज आती है कि यार बाहर से चीजें लेकर आ रहे हो उसे यहाँ पर चिपका रहे हैं, और मेड इन इंडिया तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। अगर यही बात अगर मैं आपसे कुछ साल पहले कहता तो शायद यही बात काफी हद तक सच होती। लेकिन आज के समय में अगर इंडिया और उसकी मैन्युफैक्चरिंग का स्टेट देखो, तो जहां हम पहले सिर्फ असेंबलिंग क्या करते थे, वहां से हम धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आ रहे हैं। 10 साल पहले तक यार एक भी स्मार्टफोन इंडिया में नहीं बनता था, और जब इंडिया में पहला आईफोन बना था 2017 में आईफोन SE, तो उसकी प्योर असेंबलिंग हुई थी, यानी कि उसकी फ्रेम लेकर आए थे, उसकी चिप्स, डिस्प्ले, बैटरी, सारी चीजें लोग बाहर से लेकर आए थे, और एप्पल ने धीरे धीरे इनकी असेंबलिंग करना शुरू करी थी, और ये एक काफी बड़ा मूव था। जिसके बाद आज के समय में हालत ये है कि इंडिया के अंदर 99% जो स्मार्टफोन बिकते हैं ना, वो इंडिया में ही यहाँ पर बनते हैं। इवन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स स्मार्टफोन है, जैसे की बात करें आपके सैमसंग के फोल्ड और फ्लिप, इनकी असेंबलिंग भी अब आज के समय में इंडिया में शुरू हो रही है। और पिछले कुछ सालों में एप्पल जैसी कंपनी ने भी इंडिया के अंदर और ज्यादा आईफोन को बनाना शुरू कर दिया है। पिछले साल तक यह आंकड़ा 7% था ग्लोबल यूनिट का, अब एप्पल का ये प्लान है कि आईफोन को 25% कर दिया जाए। यानी आने वाले समय में ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में अब कहीं भी आईफोन को खरीदे, 4 में से 1 आईफोन मेड इन इंडिया होगा। लेकिन फिर भी बात की जाए तो जो मेड इन इंडिया बोलता हूं और जो असेंबल्ड बोलता हूं, तो हम असेंबल्ड से मेड इन इंडिया के ऊपर कब मूव कौन करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं है पूरे आईफोन को एक बार में पूरा बना ले, यानी कि सारी चीजें उसके अंदर यहाँ पर बन जाए। और ये बात चाइना के लिए भी ट्रू है, भले ही आईफोन चाइना में मेजोरिटी बनते हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो चिप्स और प्रोसेसर होते हैं ना, वो ताइवान से यहाँ पर आते हैं। तो एक कंट्री सब कुछ यहाँ पे बना ही नहीं सकती, बाहर से कुछ ना कुछ तो इम्पोर्ट करके लाना पड़ेगा। लेकिन वही बात करूं, अब इंडिया में ये हो रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्प्रूव होने से काफी सारे कंपोनेंट्स भी अब इंडिया में बनना शुरू हो गए। यानी कि एप्पल की बात करें तो वो अब और भी ज्यादा सप्लायर्स को ढूंढ रहा है जो आज के समय में डिस्प्ले असेंबली को यहाँ पे क्रिएट कर पाए, कैमरा मॉड्यूल्स को क्रिएट कर पाए, यहाँ पर उसका इंक्लोजर होता है वो यहाँ पे क्रिएट कर पाए। यानी कि धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो इंडिया में ही बनते रहे। जैसे की बात करें, TDK एक कंपनी है जो कि इंडिया में बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने वाली आने वाले समय में, जिसके अंदर आईफोन के अंदर जो बैटरी होगी वो भी अब इंडिया में ही यहाँ पर बनेगी। इसके साथ ही कॉर्निंग जैसी कंपनी गोरिल्ला ग्लास को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। इसके साथ ही यहाँ पे मदद सिर्फ एप्पल को ही नहीं मिलेगी, जो दूसरी कंपनी जो इंडिया में स्मार्टफोन्स को बना रही है ना, वहां पर भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि अब यहाँ पर ये होगा कि उन इसको जो बाहर से ज्यादा इंपोर्ट कर रही थी, उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इंडिया में ही ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। लेकिन वहीं पर एक सवाल आता है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह का क्या? क्योंकि ज्यादातर जो चिप्स प्रोसेसर होते हैं वो तो हमें हमेशा बाहर से लेने पड़ते हैं। बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसके अंदर भी धीरे धीरे काम हुआ है। जैसे की बात करें, माइक्रोन नाम की कंपनी इंडिया में अपना चिप्स को लेके प्लांट यहाँ पे ओपन कर रही है, जहाँ पे उसकी असेंबलिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग की जाएगी, और वो यहाँ पे SSDs और मेमोरी चिप्स को बनाएगा। इसके साथ ही फॉक्सकॉन के बारे में भी सुना है कि वो PLI स्कीम के अंदर भी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर्स को इंडिया में बनाए जा सके। देखो, कहने का मतलब सिंपल सा ही है कि किसी प्रोडक्ट को अगर आप जीरो से बना रहे हो ना, थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इवन अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में भी शुरुआत के अंदर चार्जर्स, केबल्स, ये सब बनाना शुरू कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो स्किल्ड लेबर था वो इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इंडिया में स्मार्टफोन्स बनना शुरू हुए, वहां पे स्किल धीरे धीरे और इम्प्रूव हुआ, धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए, तो स्किल लोगों का और ज्यादा बेटर हुआ, और धीरे धीरे अब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि हम जो स्मार्टफोन के अंदर जो कंपोनेंट्स लगते हैं ना, धीरे धीरे उसके ऊपर जाने लगे। क्योंकि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग इन सब की बात करते हैं ना, तो एक छोटा सा प्रोसेस रहता है। शुरुआत में आपको असेंबलिंग ही करनी पड़ेगी, फिर आपको इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आना पड़ेगा, जहां पे आप कुछ चीजें इंडिया के अंदर बनाओगे, कुछ चीजें बाहर से लोगे, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और उसके बाद एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की स्टेजेस आती है, जिसके अंदर आप ग्राउंड से ही सारी चीजें यहाँ पे एक ही जगह बना रहे हो और उसको एक साथ यहाँ पे पैक कर रहे हो। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसके समय में आज भी लोग यहाँ पे बात करते हैं। और जब भी हम लेटेस्ट आईफोन मेड इन इंडिया होगा, तो सबसे पहला यही कमेंट आता है, तो मेड इन इंडिया नहीं, असेंबल्ड होगा। असेंबलिंग तो पहले भी थी, अभी भी और आगे भी होती रहेगी, लेकिन ऑलरेडी हम असेंबलिंग से आने वाली फेज के ऊपर मूव ऑन कर चुके हैं। और इसका रिजल्ट आप ये भी देख सकते हैं कि टाटा कंपनी अब आईफोन के लिए एक और फैक्ट्री यहाँ पर बनाने वाली है। ऑलरेडी सिर्फ स्मार्टफोन्स तक बात नहीं है, अगर मैं स्मार्ट टीवीज वाले मार्केट की बात करूं, तो पिछले क्वार्टर में जितने भी टीवीज इंडिया में बिके थे ना, सबके सब मेड इन इंडिया थे। क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में ज्यादातर जो कंपनीज है जो टीवीज बनाती है, वो इंडिया में अलग अलग ODM पार्टनर्स को पकड़ रखा है उन्होंने, जिसमें से टॉप 3 के बारे में बात करें तो भागवती इलेक्ट्रॉनिक्स,
डिक्सन और रेडियंट है, ये कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी टीवीज बनाते हैं। इवन शॉमी की बात करें तो शॉमी खुद यहाँ पे अपनी टीवीज को मैन्युफैक्चर नहीं करती, इंडिया का नंबर वन स्मार्ट टीवी ब्रांड है, लेकिन फिर भी वो इन्हीं मैन्युफैक्चर से अपने टीवीज को बनवाता है। और सिर्फ स्मार्ट टीवीज तक बात नहीं है, लैपटॉप्स के अंदर भी PLI स्कीम के अंदर भी काफी सारी कंपनीज ने साइन किया है, HP, Dell, Asus ये सब हो गए, ये सब भी अब पार्ट लेना चाहती ताकि इंडिया में लैपटॉप्स को मैन्युफैक्चर कर सके। सैमसंग जैसी कंपनी जिस फैक्ट्री में अपने मोबाइल फोन्स को बनाती है उसके अंदर अपने गैलेक्सी बुक को भी यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। इसके साथ ही ये भी बता सकता हूँ कि इंडिया में इंटेल कंपनी ने भी अलग अलग ODM पार्टनर्स को पकड़ रही है जो यहाँ पे लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर कर सके इंटेल प्रोसेसर के साथ और दूसरी कंपनीज को बेच सके ताकि वो कंपनीज अपना लोगो लगा के आगे प्रोड्यूस कर सके। यानी कि स्मार्टफोन एक शुरुआत थी, टीवी एक जगह थी, लैपटॉप्स एक नेक्स्ट एरा, क्योंकि ज्यादातर लैपटॉप्स अभी इंडिया में नहीं बनते, लेकिन जिस तेजी से काम चल रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग भी उतरेगी। हालांकि ये बात मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि एप्पल के मैकबुक अभी भी नहीं बनते और ना ही एप्पल का अभी भी प्लान है इस समय कि इंडिया में इन चीजों को यहाँ पे बनाया जाए, क्योंकि अभी भी एप्पल के मैकबुक की सेल इंडिया में नहीं होती। लेकिन जैसा हमने आईफोन के साथ देखा, आईफोन यहाँ पे राइज किया, अगर मैकबुक को भी इंडिया में डिमांड इंक्रीज होती तो उस पर एप्पल वाले भी मैकबुक को इंडिया में बनाए। ऐसे ही बात करें तो यहाँ पे आईपैड, वो भी इंडिया में नहीं बनते, वो भी बाहर से आते हैं, लेकिन देखने वाली बात हो कि एप्पल का जो आईपैड होता है वो यहाँ पे कम बनता है। तो कहने वाली बात है कि 7-8 साल पहले की भी बात करते तब भी स्मार्टफोन इंडिया में नहीं बनते थे, पिछले 5-6 सालों के अंदर इंडिया में धीरे धीरे स्मार्टफोन बनना शुरू हुए, आगे चल के और भी ज्यादा इंक्रीज होंगे। और अब स्थिति यहाँ पर यह आ रही कि इंडिया में मोबाइल फोन्स को बना के हम बाहर एक्सपोर्ट करें। इसके साथ ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक गेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो काफी सारी कंपनीज ने ग्रो कर दी, लेकिन R&D भी कैसी चीज रहती है जो आज के समय में काफी सारी कंपनीज को शायद इंडिया में करनी चाहिए। अभी के समय में बात करें तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जितनी भी कंपनीज होती है वो अपने हेडक्वार्टर के अंदर R&D करती है। एप्पल का मान ही नहीं सकते कि यहाँ पे इंडिया में वो R&D करेंगे, एप्पल का सारा काम USA के अंदर होता है। जितनी भी चाइनीज कंपनी उनके चाइना में जो हेडक्वार्टर है मेजोरिटी काम वहां पर होता है, कुछ चीजों की टेस्टिंग वगैरह इंडिया में होती है बस। सैमसंग जैसी कंपनी थी जिसने अपने कैमरा की जो ट्यूनिंग वगैरह थी उसको थोड़ा बहुत इंडिया में किया था, S23 अल्ट्रा, इवन अपकमिंग S24 लाइनअप का भी कुछ काम इंडिया के अंदर यहाँ पर हुआ है। तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर यहाँ पर धीरे धीरे R&D आई है, लेकिन अभी भी उस लेवल पर नहीं आई है जिस लेवल पर हम कह सके कि पूरा प्रोडक्ट डिजाइन भी हुआ है, R&D भी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ हुई है। हम ये सब एक्सपेक्ट कर सकते किसी इंडियन कंपनी के साथ, क्योंकि इंडियन कंपनी होगी जो इंडिया में ही रह के इंडिया में ही डिजाइनिंग R&D करके यही मैन्युफैक्चर करेगी। बाहर की कंपनी से हम इतना सा नहीं समझ सकते, लेकिन ये देखने वाली बात हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो यहाँ पे कब आपको इंडिया में देखने को मिलती है। तो दोस्तों यार ये थी कहानी असेंबल्ड इन इंडिया वर्सेस मेड इन इंडिया के बारे में। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई है सब्सक्राइब करो यहाँ पे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।